20 वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड के कौन मुकाबला है, फैसला आज हो जाएगा। दुबई के स्टेडियम में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया शाम 7 बजे टकराएंगे। नेट प्रैक्टिस में कौमी खिलाड़ियों ने जान लड़ा दी। शाहीन फतह की रिवायत बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म, पांचों लीग मैचेस में 5 हीरोज ने मैच जितवाया। शाहीन, रऊफ, रिजवान, आसिफ और मलिक के बाद आज सेमीफाइनल का कौन होगा मर्द मैदान, सबकी नजरें टिकी हैं। आज कामयाबी मिली तो वजीर आजम फाइनल देखने दुबई जाएंगे। मोहम्मद रिजवान और शुएब मलिक को फ्लू हो गया, प्रैक्टिस में हिस्सा नहीं लिया। क्रिकेट फैंस की दुआएं स्टार विकेट कीपर और शानदार मलिक बस जल्दी से ठीक हो जाएं और सेमीफाइनल जितवाए। पीसीबी के मुताबिक दोनों खिलाड़ियों की तबीयत बेहतर है, दोपहर को मेडिकल पैनल मुआयना करेगा। रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर ने भी कह दिया, इन्हें इंजेक्शन लगाएं मगर जरूर खिलाएं। बड़े मैच की बड़ी तैयारियां, मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीन्स लगेंगी। शायकीन ने प्लान्स बना लिए। डिस्ट्रिक्ट जेल सरगोधा में कैदियों को मैच दिखाने के लिए 40 LEDs लगा दी गईं। कैदियों की आज जेल के कामों से छुट्टी है। वज़ीर आज़म के मौवन खसूसी उस्मान डार ने आज तमाम सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी। वर्कर्स के साथ मिलकर सेमीफाइनल देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया को भी भारतीय टीम समझकर खेले तगड़ी, बॉडी लैंग्वेज के साथ मुकाबला करे। सुपरस्टार क्रिकेटर शाहिद खान आफरीदी के टीम को मशवरे, कहा अगर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स घोरे जुमलेबाजी करें तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी उन्हें वैसे ही जवाब दें। आप ऑस्ट्रेलियन को ग्राउंड के अंदर हरा सकते हैं, 50% वो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो आपके ऊपर तगड़े आएंगे, आपको गोरियां मारेंगे, हमारे भी उल्टी गोरियां मारे, जो वो कहे वही बकवास उनके मुंह पे करनी है। तो तगड़े आनी है, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए उनके अगेंस्ट। इतनी चीखों पुकार मेरे इस जुमले पे हिंदुस्तान के मीडिया ने उठाई है, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के वजीर दाखिला पे 6 दिन प्रोग्राम किए हैं कि शेख रशीद ने कहा कि मेरा फाइनल तो हो गया, आज दुआ करें ऑस्ट्रेलिया को जीत कर हम फाइनल में जाएं, लेकिन मेरा फाइनल हो चुका है। मेरा फाइनल उस दिन हो गया था जब हमने भारत को हराया था, दुआ है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जाए। वजीर दाखिला शेख रशीद ने एक बार फिर कह दिया, इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। वजीर दाखिला की अपोजिशन की सियासत पर भी तनकीद। साढ़े 3 साल से टीवी में फंसी हुई है अपोजिशन, 3.5 साल से। अब तो इनकी शक्ल देखते हैं तो बच्चे कहते हैं अम्मा वो फिर आ गई है। पार्लियामेंट का आज होने वाला मुश्तरका अजलास मौखर, फवाद चौधरी कहते हैं इत्तेहादियों के तहफ़ुज़ात दूर करेंगे, इत्तेहादी हमारी जमात नहीं, राय में फ़र्क हो सकता है। पार्लियामानी जमहूरियत में ख्यालात और लाहे अमल में ऊंच नीच हो जाती है, पार्लियामान का अजलास जल्द फिर बुलाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली इत्तेहादियों और अपोजिशन से मजीद राबते करेंगे। यही एक बिल है, अगर हमारे तहफ़ुज़ात दूर नहीं होते हम इनको वोट नहीं करेंगे। गवर्नमेंट का एक एजेंडा है, गवर्नमेंट इतनी बड़ी एक चेंज लाना चाह रही है, तहफ़ुज़ात दूर करना तो हुकूमत का काम है ना, वज़ीर आज़म साहब का काम है। कानून साजी पर हुकूमत तहफ़ुज़ात दूर करे वरना वोट नहीं देंगे, काफ लीग के रहनुमा और वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा का बड़ा बयान। बोले इत्तेहाद इसी चीज का नाम है कि जब दिल भर जाए तो इज्जत से अलग हो जाए, हमने कभी वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल नहीं किया। MQM का भी EVM पर तहफ़ुज़ात का इजहार। नदीम भाई आपके लिए में कि 2018 को मेरा ख्याल है कि जो रात को 8 केस बैठ गया था और MQM को 300 वोट से लेकर 3005 ऐसी सीटें थी जो 300 से लेकर 3000 वोट तक MQM को हरा दिया गया था, तो हमारी अपनी रिजर्वेशन इस पे मौजूद थी। हमने कहा हमें पता होना चाहिए कि इन सवाल के जवाब क्या है। EVM इशू पर इलेक्शन कमीशन पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम, वफाकी वजीर रेलवे आज़म स्वाति की इलेक्शन कमीशन आमद। वकील के मुताबिक अभी शोकॉज नोटिस वजीर रेलवे को मौसूल नहीं हुआ। आज़म स्वाति कहते हैं इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना हमारा काम है, इलेक्शन में शफाफियत हमारा मिशन है। 17,000 मुलाजमीन की बरतरफी के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तों की सुप्रीम कोर्ट में समाअत, बरतरफ मुलाजमीन की बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद, पुलिस की भारी नफरी तैनात। नाजिम जोखियो कत्ल केस रुकने सिंध असेंबली जाम उवैस गहराम समेत दीगर मुलजमान मलीर कोर्ट में पेश। अदालत ने मुलजमान के रिमांड में 16 नवंबर तक तौसी कर दी। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मकतूल नाजिम की बनाई वीडियो में मौजूद गाड़ी का एक्साइज रिकॉर्ड नहीं, कस्टम से तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं।
लाहौर स्मोक के जेर असर फिजा धुंधला गई। दुनिया भर में आलूदगी के लिहाज से लाहौर का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 से बढ़ गया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के खात्मे से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। स्मोक के फैलाव का बाइस बनने वाले 250 से जायद भट्टे सील। 22 भट्टा मालिकान गिरफ्तार। जुडिशल वाटर एनवायरमेंट कमीशन ने रिपोर्ट पेश कर दी।